हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या तुम्हें बताया, दुबई में सबसे पहली 3D प्रिंटेड बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। यस, यू आर राइट। और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? वेल, इसका बेसिक डिजाइन सिर्फ और सिर्फ 17 दिनों में रेडी हो गया था। लेकिन ये टेक्नोलॉजी यहीं पर नहीं रुकी। हमारे इलॉन भैया कह रहे हैं कि मार्स में हर जगह पर हमें ऐसी ही 3D बिल्डिंग्स मिलेगी देखने के लिए। और सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, बल्कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर 3 डायमेंशंस में होगा। और अगर प्रोग्रेस कुछ ऐसा ही रहा तो हमारे अर्थ में भी हर चीज 3D प्रिंटेड ही नजर आएगी। मतलब जरा सोचो ना, आज जो हमारी पृथ्वी है, हमारा घर, जिसे आज हम ब्राउन, ग्रीन और ब्लू के शेड्स में देखते हैं, वो पूरा का पूरा बदल जाएगा स्टील और ब्लू के शेड में। और इतना ही नहीं, जैसे ही मार्स की कॉलोनाइजेशन 2026 में शुरू हो जाएगी, उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 54 ईयर्स के बाद, मतलब 2075 तक फर्स्ट मार्शियन बेबी अर्थ पे विजिट करेगा। हाँ, एक ऐसा इंसान हमारे अर्थ पर कदम रखेगा जिसका जन्म अर्थ पे नहीं बल्कि मार्स में हुआ। और सिर्फ यही नहीं, तब तक हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस और एफिशिएंट हो चुके होंगे कि एफिशिएंसी और परफेक्टनेस के लिए बिजनेस ओनर्स वर्कर्स को रोबोट्स से रिप्लेस कर चुके होंगे। और कर देंगे क्या, करना शुरू भी हो चुका है। कंपनी जैसे गूगल, फोर्ड, लॉरियल में रोबोट को वर्कर्स का इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। मतलब समझ रहे हो, आगे चलकर अगर जॉब पे तुम अपनी मुंडी यहाँ वहां घुमाओगे तो तुम्हें आसपास सिर्फ रोबोट से काम करते हुए नजर आएंगे। और आज जहां पर मेडिकल की दुनिया में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, आईज और लंग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी भी ग्रो होकर और प्रोग्रेस करेगी। और हम अभी से ही नर्व्स और न्यूरॉन्स पर वर्क कर रहे हैं, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है, बाय 2075 क्या हम ह्यूमन साइबॉर्ग्स बन चुके होंगे? And अगर आपको नहीं पता तो by human cyborgs I mean half humans और half robots, इसका मतलब practically हम अमर हो चुके हों। Well, इसके पीछे की technology बहुत ही convincing है, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारा future कैसे होने वाला है, हमारी दुनिया कैसे होगी और हम इंसान कैसे होंगे by 2075। So let us get on with our today's video titled How the World Will Look Like in 2075। So, अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड टावर एमिरेट्स टावर दुबई के कॉम्प्लेक्स में 2016 के मई महीने में बना था। और इसकी खासियत यह है कि भले ही इसमें भी वो सारे मटेरियल्स यूज किए गए थे जो एक आम बिल्डिंग में यूज होते हैं, फिर भी ये नॉर्मल बिल्डिंग से 1/10 टाइम में बना। और इतने कम वक्त में बनने वाली ये बिल्डिंग नाजुक जरा भी नहीं थी। ना, ये गलती जरा भी मत करना, कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ये बिल्डिंग उल्टा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड बाय स्ट्रॉन्ग मेरा मतलब ये है कि ये बिल्डिंग बड़े आराम से अगले 175 इयर्स तक टिक सकती है, यानी आपके आगे की दो पुश्ते बड़े आराम से इस घर में अपनी जिंदगी जी लेंगे। पर फ्रेंड्स, अपने आने वाले पुश्तों के लिए आप उनके सर पर बस सिर्फ एक छत ही छोड़कर जाओगे या फिर कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी छोड़कर जाओगे? Well, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट जो उन्हें लाइफ टाइम इस घर की तरह सेफ एंड सिक्योर रखे। मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी में जिसमें फ्यूचर देखने वाले बिलियनर्स जैसे इलॉन मस्क इन्वेस्ट कर रहे हैं। बात बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको एप्रिशिएटिंग एसेट्स में करना चाहिए, यानी वो एसेट्स जिनकी वैल्यू आज जितनी है कल उससे ज्यादा होने वाली है। और जाहिर सी बात है, आप अगर पैसे सेव करके रखोगे तो पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से फ्यूचर के डेट में कम होते जाने वाली है। बट वहीं पर अगर आप बिटकॉइंस का ग्राफ देखोगे तो ये बिटकॉइन की वैल्यू थी 2010 में और ये है बिटकॉइन की वैल्यू आज, और आप देख सकते हो कितने कम टाइम में कितना ज्यादा एप्रिशिएट हुआ है। सो बाय 2075 ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि पूरे दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसीज यूज किया जाने लगेगा, क्योंकि आज इंटरनेट और मैसेंजर एप्लीकेशन के थ्रू हम दुनिया में किसी भी कोने में अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं बिना कोई टैक्स या चार्ज भरे। और उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू आप किसी भी कोने में पैसा ट्रांसफर कर पाओगे बिना कोई ट्रांसफर फीस, किसी भी देश के गवर्नमेंट के दखलबाजी के बिना। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इलॉन मस्क और मेरी तरह फ्यूचर में बिलीव करते हो तो आप शुरुआत कर सकते हो 50 रुपीस के बिटकॉइन से, जो आपको फ्री मिलेगा कॉइन स्विच कुबेर ऐप में। अब यहां पर आपको सिर्फ रजिस्टर करना है, पैसे कुछ नहीं डालने, आपको 50 रुपीस वर्थ ऑफ बिटकॉइन मिलेगा कंपनी की तरफ से, और फिर आप जो भी क्रिप्टो करेंसीज इस ऐप में लिस्टेड है उन कंपनीज में थोड़ी रिसर्च कर सकते हो उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में। और अगर आपको किसी भी कंपनी की टेक्नोलॉजी फ्यूचर ओरिएंटेड लगती है तो उसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, और जैसे ही वो कंपनी ग्रो होगी आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी और आप भी फ्यूचर बिल्ड करने में कंट्रीब्यूट कर पाओगे। कॉइनस्विच कुबेर ऐप में आपको ढेर सारे क्रिप्टो करेंसीज मिलते हैं, इसमें KYC भी होता है जो सिर्फ जेन्युइन ऐप्स में होता है, और साथ ही इसमें इन्वेस्टमेंट और विड्रॉवल दोनों एकदम इजी और इंस्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है लिंक, जाओ जाकर रजिस्टर करो इस ऐप में और 50 रुपीस वर्थ फ्री बिटकॉइंस पाओ, एंड ऑल्सो सपोर्ट द फ्यूचर।
तो फ्रेंड्स कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप भी 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स में रहना चाहते हो तो न्यूयॉर्क चले जाओ। वहां का जो सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड घर है ना, वो 1400 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। उसमें 3 बेडरूम्स, 2 बाथरूम्स और उसके साथ एक्स्ट्रा 750 स्क्वायर फीट का गैराज भी है। और इस घर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरा का पूरा घर सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे में बनकर खड़ा हो गया। अब फ्रेंड्स जरा सोचो, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी सबके लिए अवेलेबल हो गई तो तुम जब घर चाहो, जहां घर चाहो, अपनी मर्जी से अपने समय अनुसार अपना घर बदल सकते हो। एंड अपने इलॉन भैया यही टेक्नोलॉजी को मार्स पर लाना चाहते हैं, जिसकी मदद से उनका 2050 तक मार्स में लोगों को पहुंचाने का, 1 मिलियन लोगों को पहुंचाने का सपना पूरा हो सकता है। पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, रिसेंटली 2 साल पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंस्टॉल किया हुआ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, जो उन्होंने एक 3D प्रिंटर से तैयार किया हुआ था, उसे टेस्ट किया। सो ये टेक्नोलॉजी इतनी प्रॉमिसिंग है कि जरा इमेजिन करो, जहां पर महीने लग जाते हैं एक रॉकेट की इंजन को बनाने के लिए, बस सिर्फ कुछ चंद दिनों में अगर हम वो इंजन बना पाए तो मार्स पर एक अच्छी खासी सिविलाइजेशन पहुंच पाने का सपना हमारा कितना जल्दी साकार हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स ये 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी सिर्फ घर या रॉकेट्स के इंजन ही नहीं बनाती, बल्कि स्प्रिटम वो पहली एपिलेप्सी की दवाई भी थी जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के मदद से बनाई गई थी। इस दवाई को बनाया गया था 2015 में, बट ये सिर्फ इसी बात को दर्शाती है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज करने में हम माहिर हो गए तो आने वाले सालों में हमारे पास ऐसी मशीनें होंगी जिसकी मदद से हम कुछ भी, किसी के लिए भी और कभी भी दवाइयों को कस्टमाइज करके तैयार कर पाएंगे और नतीजन कितने सारे लोगों की जिंदगियां बचा पाएंगे। कई एक्सपर्टों का तो यह भी मानना है कि अगले 10 सालों में मैक्सिमम चीजें 3D प्रिंटेड होगी। इसका मतलब मशीन में बस से प्रोग्रामिंग करो कि वो चीज कैसी दिखनी चाहिए, उसके डायमेंशंस कैसे होंगे, और फिर उसमें रॉ मटेरियल डालो और लो आपका प्रोडक्ट बस कुछ ही मिनटों में तैयार। और अगर फ्रेंड्स यही चलता रहा तो ना सिर्फ मार्स पर बल्कि अर्थ पर भी हर चीज, रोड्स, बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स सभी स्टील के बन जाएंगे और हमारा वो विजन अर्थ का ब्लू और स्टील कलर का सच होते हुए नजर आ जाएगा। तो चलो अब हमने ये तो जान लिया कि हमारी पृथ्वी बाय 2075 कैसे ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। पर जिस तरीके से अब स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स घुस रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है हमारी स्पेस की दुनिया उस वक्त तक कैसी हुई होगी? अपने इलॉन भैया ने तो 2016 के कॉन्फ्रेंस में ये साफ साफ कह दिया था कि 2030 तक मार्स की पहली सिटी तैयार हो चुकी होगी और 2050 तक तो वो मार्स पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों को पहुंचा भी चुके होंगे। और फ्रेंड्स वो ये सब ऐसे ही हवा हवा में नहीं बोल रहे, उन्होंने इस चीज को अंजाम देने के लिए अपने सबसे टॉप नॉच रॉकेट स्टारशिप पे वर्क करना शुरू भी कर दिया है। और यही वो बड़े बड़े रॉकेट्स होंगे जिसमें हम ह्यूमंस और कार्गो को अर्थ से मार्स पर ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। और इस बात पर थोड़ी और क्लैरिटी देने के लिए उन्होंने ये भी कह दिया है कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन में 3 स्टारशिप्स लॉन्च होने लगेंगे जो लोगों को यहाँ से वहां और वहां से यहाँ पहुंचाने लगेंगे। मतलब जैसे आप मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, पर जहां पर इलॉन मस्क मार्स को अर्थ की तरह ही बिल्कुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अपने अमेज़न वाले जेफ भैया, उनका ये मानना है कि जब हम अर्थ को ही खूबसूरत बना सकते हैं तो और किसी प्लैनेट पर हमें जाने की क्या जरूरत है। Well, अब ये दोनों की पर्सनल ओपिनियन है और आपको क्या लगता है, आप किसके ओपिनियन से ज्यादा सहमति रखते हो? मुझे पर्सनली तो ये आइडिया कि अपने अर्थ के बाहर फ्लोटिंग कॉलोनीज घूम रही होगी, इस विजन के बारे में सोचकर ही काफी साइफाई सा फील आता है। जेफ बेजोस के अनुसार हमें अर्थ के इर्द गिर्द, उसके आस पास, उसके स्पेस में फ्लोटिंग कॉलोनीज बनानी चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट सुनने में और देखने में काफी साइफाई सा लगेगा कि जैसे ही आप अर्थ से ऊपर आसमान में नजर डालोगे तो आपको चारों ओर अलग अलग टाइप की फ्लोटिंग कॉलोनीज मिलेगी। और यहाँ पर इन फ्लोटिंग कॉलोनीज में काफी वैरायटी भी है जो जेफ भाई ने एज अ कॉन्सेप्ट पेश किया है। सभी कॉलोनीज का थीम एकदम अलग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलोनी में खिलखिलाती फसलों वाले खेत होंगे तो किसी कॉलोनी में रंग बिरंगे फूल होंगे, किसी कॉलोनी में हरा भरा जंगल होगा तो कोई कॉलोनी एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होगी। क्या नजारा होगा, है ना? बट Wait, give your imagination a break. जैसे कि तुम लोग ये जानते हो कि मून के सरफेस पर हमें ऑलरेडी आइस के ट्रेसेस मिले थे जो बाद में जाके पानी बन गए, लेकिन इस चीज को कंफर्म करने के लिए और वहां पर मेटल्स और बाकी जरूरी चीजों की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए जेफ भैया अपने ही कंपनी से ब्लू मून नाम का एक लैंडर 2024 में भेजने वाले हैं। और अगर ये कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद हम आराम से स्पेस में कॉलोनीज बना पाएंगे।
Well, isn't that fascinating? और friends, अभी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन वगैरह का भूत इंसान को आज चढ़ा है और अभी अभी चालू हुआ है तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये सारा नशा तो इंसान को 1950 से ही चलते आ रहा है। पर तब अनफॉर्चुनेटली आज जितनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी और इन्हीं टेक्नोलॉजी से होने वाले खोज आज जितने हुए वो टाइम पे उतना इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने में जस्ट इमेजिन करो, अगर इंसान एक बार मार्स में पहुंचने का सोच भी लेता तो क्या उसके दिमाग में ये सवाल आता कि मार्स में हम रह भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मार्स के बारे में वहां के सॉइल, वहां के एटमॉस्फेयर वगैरह के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं था। मार्स पे जी पाना पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, इसका हिंट हमें कहां से मिला? Well, सितंबर 2012 में हमने बहती नदियों की खोज मार्स में की, जिससे हमें यह पता चला कि मार्स में भी कभी लाइफ पॉसिबल हो सकती थी। और ऐसे ही लॉजिक्स को यूज करके हम मार्स जैसे ही और हैबिटेबल प्लैनेट्स भी ढूंढ के निकाल रहे हैं। और मार्स ही से भी अकेला प्लैनेट नहीं है जहां पे आज हम रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अपने ही सोलर सिस्टम से कुछ 1400 लाइट ईयर्स दूर अर्थ 2.0 है। Yes, seriously, Earth 2.0 है, जिसके बारे में पिछले ही कुछ सालों में नासा ने यह दावा किया था कि यह ग्रह बिल्कुल अर्थ जैसा ही दिखता है और अर्थ जैसे ही लाइफ को सपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, यह ग्रह हमारे सोलर सिस्टम से कुछ 1400 लाइट ईयर्स दूर है। अब फ्रेंड्स, एक थॉट मुझे हमेशा शॉक करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्थ 2.0 में हम जैसे इंसान या हम जैसे कोई जीव वहां पर पहले से ही मौजूद है और शायद वो हमें ही ढूंढ रहे हो। Well, इस बात का पता तो हमें तभी चल पाएगा जब हम अर्थ 2.0 पहुंचेंगे, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते तक हमारी 10 पीढ़ियां गुजर चुकी होगी, क्योंकि एज ऑफ नाउ ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जो लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर सके और हमें वहां पर इसी जन्म में पहुंचा सके। बट दैट पॉसिबिलिटी इज स्टिल ओपन। एंड फ्रेंड्स, हमने इतनी सारी एडवांसमेंट की बात कर ली, अब ऑब्वियसली बात है कि मशीन्स में भी काफी सारे एडवांसमेंट आ चुके होंगे और इस वजह से हम पृथ्वीवासियों पर एक सबसे बड़ा खतरा मंडराता है, जो है हम इंसानों का रिप्लेस हो जाना बाय मशीन्स एंड रोबोट्स। Well, यहाँ पर जिस टाइप के रोबोट्स की मैं बात कर रहा हूँ उसे कहा जाता है कोबोट्स। अभी कोबोट्स बहुत ही स्मार्ट होते हैं। कोबोट्स का मतलब रोबोट्स जो आपके कोवर्कर्स हैं। ये कोबोट्स आपको देखकर हूबहू आपके बिहेवियर को एनालाइज करकर अपना व्यवहार उस अनुसार करेंगे। और ये इसीलिए बेहतर होते हैं क्योंकि रोबोट्स तो वही करते हैं जो हम उन्हें कहते हैं करने के लिए, बट कोबोट्स हमें देखकर सीखते हैं। और ये इसीलिए बेहतर होते हैं क्योंकि रोबोट्स तो वही करते हैं जो हम उन्हें कहते हैं करने के लिए, बट कोबोट्स हमें देखकर सीखते हैं। और एक बार जब वो सीख जाते हैं तो उसके बाद वो गलतियां ना के बराबर करते हैं। और इसीलिए आज कोबोट्स को रोबोटों की जगह पर आर्मी में सैनिकों के तौर पर भेजा जा रहा है। और अब ये टेक्नोलॉजी इतनी प्रॉमिसिंग है कि ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके हर खतरनाक काम के लिए हम कोबोट्स का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि उससे किसी इंसान को कोई हानि ना पहुंचे। और फ्रेंड्स, आज के तारीख में जो हम घर पे बैठे मस्त पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जर्मनी, यूके, जापान जैसे कई देशों में कोबोट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो धीरे धीरे आगे जाकर सभी कंट्रीज में यूज किया जाने लगेगा। और इस वजह से अगर अगली बार आपकी टीचर बीमार पड़ जाए तो उसकी जगह पर उसका कोबोट आपको सिखाने आएगा, और क्या पता वो दिन भी आ जाए कि आपकी टीचर ही टोटली रिप्लेस हो जाए और हमें घर पर ही बैठना पड़ जाए। और फ्रेंड्स, इसी रोबोटिक टेक्नोलॉजी में अगर और एडवांसमेंट आएगा तो आगे चलकर हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा अगर बराबर काम नहीं कर रहा होगा तो हम इसी ही रोबोटिक टेक्नोलॉजी से एक आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाकर हमारे डिफेक्टिव ऑर्गन को इस न्यू ऑर्गन से रिप्लेस कर देंगे। अब फ्रेंड्स, अगर आज के जमाने के हम मॉडर्न ऑपरेशंस की बात करें तो वो इतने दर्दनाक और इतने क्रूर नहीं साउंड करते जितने पहले किया करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे किसी भी सैनिक के पांव पर या हाथ पर गहरी चोट आती थी तो उसका वो हाथ या पांव टोटली एम्प्यूटेट यानी कि काट देना पड़ता था, उसके शरीर से अलग कर देना पड़ता था, ताकि ऑफ कोर्स मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ना आए और उसे गैंग्रीन ना हो जाए। अब इमेजिन करो उसे कितना दर्द होता होगा, बट मॉडर्न मेडिसिन में एनेस्थीसिया आने के बाद ये ऑपरेशन काफी सिंपल होने लग गया और आज के जमाने में उस पार्ट को एम्प्यूटेट करने के बाद हम हूबहू वैसा ही दिखने वाला पार्ट और वैसे ही फील करने वाला पार्ट बना के लगा सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सबसे पहला आर्टिफिशियल हार्ट जार्विक 7 हमने 1982 में ही बना लिया था। मतलब जस्ट इमेजिन आने वाले एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम क्या क्या नहीं बना सकते। हाल ही में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में तो आर्टिफिशियल नसें भी बन चुकी हैं जो बिल्कुल एक इंसान की नस की तरह ही काम करती है। और इस खोज के बाद ना फ्रेंड्स,
हम इंसानों को ह्यूमन साइबॉर्ग्स बनने से कोई नहीं रोक सकता। जस्ट इमेजिन अगर एक नस से लेकर हर एक बॉडी पार्ट का रिप्लेसमेंट हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम इंसान को अमर बनने से कौन रोक पाएगा। आई बेट आपने इसके बारे में डिटेल में कभी भी नहीं सोचा होगा, बट ये बहुत जल्द एक रियलिटी बनने वाली है। अब फ्रेंड्स ये सब के बारे में सुनकर मुझे बताओ नीचे कॉमेंट सेक्शन में कि आपका क्या राय है। क्या आपको नहीं लगता कि 2075 तक हमारा अर्थ एक साइफाई ग्लोब की तरह नहीं लगेगा, यू नो ब्लू कलर और स्टील कलर का, जिसमें होंगे ह्यूमन साइबॉर्ग्स मौजूद जो इमॉर्टल होंगे यानी कि अमर। वेल आपकी क्या राय है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन कर लेना, यहाँ पर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे जो आपके नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहेंगे। और हाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके कॉइन स्विच कुबेर ऐप को अभी डाउनलोड कर लो और 50 rupees वर्थ ऑफ फ्री बिटकॉइंस पाओ। सी इन अनदर वीडियो, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।